बुधवार के दिन शाहरुख खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा था कि एक्ट्रेस की अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर को सुनकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस काफी चिंता में आ गए थे। वहीं आपको बता दें कि 21 मई को आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था और इसी दौरान शाहरुख खान भी अहमदाबाद पहुंचे थे और मैच देखने के दौरान भयंकर गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आनन फानन में हैदराबाद में ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर के बाद से ही शाहरुख खान की फैमिली का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और पूरा बॉलीवुड इस खबर से सदमे में था और सभी शाहरुख खान की तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करने में जुटे थे। और अब खबर आई है कि शाहरुख खान की तबीयत में काफी सुधार है। आपको बता दें कि शाहरुख खान मौत के मुंह से होकर वापस आए हैं और अब जल्द ही वो डिस्चार्ज होने वाले हैं और उनके फैंस इस खबर से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की एक वजह उनकी बढ़ती हुई उम्र को भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ शाहरुख खान को इतनी गर्मी और इतना एग्जर्शन नहीं लेना चाहिए और उन्हें अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना चाहिए और इसी वजह से उनको हीट स्ट्रोक की वजह से दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी ठीक है और वो जल्द ही डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।